दिन सब हो गए हैं गोविंदा के संग। अरे समझे, हर तरफ है ये शोर। हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा। तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा। कहीं मटकी तोड़े, कहीं नैना जोड़े, हाँ आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। तुम्हें क्या करना है अच्छी तरह से समझ। अपनी पूरी बॉडी पर तेल लगाना है और पिरामिड में जिस तरफ से मानव ऊपर चढ़ने वाला है उस तरफ दूसरे लेवल पर जाकर खड़े हो। मानव हांडी फोड़ने के लिए ऊपर चढ़ेगा, तुम्हारे कंधों पर पैर रखते ही फिसल जाएगा। तुम भी मटकी फोड़ने की सोच रहे हो? हाँ, बेकार की कोशिश अजीत, हार जाओ। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, अजीत हारने के लिए नहीं जीतने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन इस बार तुम्हारा मुकाबला आसान नहीं, इस बार तुम्हारा कंपेटिटर मानव, यहाँ का हीरो, हमेशा से वही हांडी फोड़ता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं मानव से हार मानकर बुजदिलों की तरह पीछे हट जाऊं? नहीं अजीत, बिल्कुल नहीं। मैं तो चाहता हूं कि तुम जीतो और उसे हीरो से जीरो बनाओ। लेकिन अजीत, ये इतना आसान नहीं है। सीधे साधे तरीके से तुम कभी नहीं जीत पाओ, इसके लिए तुम्हें अपना दिमाग दौड़ाना होगा। मतलब? बाबा बाबा, मुझे भी अंडी फोड़नी है। बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो ना, वहां से गिर जाओगे तो बहुत चोट लगेगी। बाबा नहीं चोट लगेगी, आप भी हो ना मेरे साथ। अरे अच्छा, तच्चू अभी तू छोटा है ना, जैसे तू बाबा इतना बड़ा होगा ना फिर हम तेरे साथ अंडी फोड़ेंगे। बाजू अर्चना, क्या कर रही है तू? सच्चू को क्यों नहीं बोल रही है हांडी फोड़ने के लिए? तुझे मालूम है मेरा मानव बचपन से हांडी फोड़ता है। हाँ, और देख मेरे सच्चू को उसके जैसा साहसी और बिंदास लड़का बनाना है। हाँ आई, लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं भी हाथों में तेल लगा कर इस हांडी में शामिल हो जाऊं, ताकि जब मानव ऊपर चढ़ने की कोशिश करे तेल की वजह से उसका पैर फिसल कर वो सीधा नीचे। अब बात तुम्हारी समझ में आ रही है, लेकिन उसके लिए मुझे पहल करनी होगी। मानव से एक पायदान ऊपर खड़ा होना होगा, ताकि जब वो ऊपर चढ़ने की कोशिश में डगमगाए मैं अपना हाथ आगे करूंगा।
लोगों को लगेगा कि तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असल में तुम आइडिया पूरा नहीं है। फिर इंतजार किस बात का? तुम्हें गिराने का मैंने पूरा बंदोबस्त किया है, अब देखता हूं तुम्हें कौन और कैसे बचाता है।
चलिए ना। वैशु मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, शायद उसकी जरूरत पड़ेगी। जो सोचा था वो तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ जो हुआ है वो भी बुरा नहीं। अब शुरू होगा पंचनामा, कौन दोषी है कौन नहीं, पकड़ा जाएगा बेचारा अजीत, और फिर सब एक दूसरे के सर पर बैठ जाएंगे। लड़ो आपस में और मरो। अच्छा आपने मुझे सही वक्त पे बुला लिया, जख्म काफी गहरे। आइए मैं आपको छोड़ दूँ। ये सब कुछ आपकी वजह से हो। अगर आप सच्चू को ऊपर नहीं ले जाते तो वो कभी नहीं गिरता। अर्षा मैं भी नहीं लेके जाना चाहता था, लेकिन वो जिद कर रहा था इसलिए। माने वो तो बच्चा है, वो तो जिद करेगा ही ना। लेकिन आप तो बड़े हैं, आपको पता है कौन सी जिद पूरी करनी चाहिए कौन सी नहीं, फिर भी आप उसको ऊपर लेकर गए। अच्छा मुझे लगा कि मैं मैनेज कर लूंगा, मैं इसी तरह बाबा के कंधे पे बैठ के मटकी फोड़ता था, आज तक कभी नहीं फिसला हूं, इस बार फिसल गया। माना तो अच्छा मैंने उसको देख लिया गिरते हो और अपनी गोद में ले लिया, वरना उसे कुछ भी हो सकता था। अर्जु इसमें मानव की कोई गलती नहीं है, गलती होगी तो मेरी है, मेरी जिद की वजह से वो सच्चू को लेके ऊपर चढ़ गया, जाने अनजाने में हो गया, ये जानबूझ के नहीं किया है। जाने अनजाने में कुछ नहीं हुआ सविता देवी, मतलब जो कुछ हुआ है जानबूझकर हुआ है। अरे लेकिन ये सब कुछ कोई जानबूझकर क्यों करेगा? जब आंख पर स्वार्थ की पट्टी पड़ जाती है ना अर्जुन, तो इंसान सही गलत की पहचान ही भूल जाता, और यहां भी ऐसा ही कुछ हुआ। हांडी की रकम पाने के लिए मानव के खिलाफ साजिश रची गई, क्यों अजी? सही कह रही हूं ना मैं? ये सब आप मुझे क्यों पूछ रही हैं? क्या बात है सुलोचना ताई, आप जो बोल रही हैं उसे अजीत का क्या वास्ता? ये सब अजीत का किया धरा है। मानव को ऊपर से गिराने के लिए इसने अपने हाथों में तेल लगाया था, ताकि जब मानव सही के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो इसका हाथ पकड़कर वो गिर जाए। और हुआ वैसे, 10,000 की रकम पाने के लिए इसने ये साजिश रची, और इस साजिश का शिकार बना हमारा सचिन। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ मैं नहीं, तुम बोल रहे हो। मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी बातें सुनी है अजीत। सिर्फ आपके देखने सुनने से गलत बात सही नहीं हो सकती। क्या 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 सबूत है आपके पास मैंने ऐसा कुछ किया है? तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, लेकिन तुम इस बात को झुठला नहीं सकते। और एक बात बता दूं, इस साजिश में धर्मेश ने इसका साथ दिया है। मैंने तुम दोनों को बात करते हुए देखा है, सुना है। तुमने मानव को चुनौती दी, तुम जानते थे कि तुम उसको हरा नहीं सकते, इसीलिए इसने ये साजिश रची। हाँ दी थी मैंने चुनौती, दी थी, लेकिन मैं कायरो को तरह जीतना नहीं चाहता था। मुझमें इतनी हिम्मत है, मैं मानव को हरा सकता हूँ, उसके लिए मुझे तेल वेल की जरूरत नहीं है।
मानो बेटा बड़ी अच्छी से रिश्तेदारी निभा रहे हैं आप। बहन के पति की तो कोई इज्जत ही नहीं है और अपनी बीवी की आई को सर पे बिठा के रखा है। सच है कि तुमने मुझे गिराने के लिए अजीत को अपने हाथ पे तेल लगाने को कहा? नहीं तो मेरी तो अजीत से कोई बात ही नहीं। तुम्हें किसने कहा? किसी के कहने की बात ही नहीं है, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी हैं। मैं नहीं जानता ये सब करके आपको क्या हासिल होगा और मैं आपसे कोई आर्गुमेंट भी नहीं करूंगा कि मैं जानता हूं यहां पर जितने भी लोग हैं किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन सच ये है आई कि मेरी अजीत से कोई बात नहीं है। भाई अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है सीधे सीधे बोलिए ना, इस तरह झूठा इल्जाम लगाकर सबके सामने मुझे बदनाम क्यों कर रही है? लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? यकीन मानो मैं सच कह रही हूँ। क्यों यकीन करें हम आपका? बताइए ना, क्यों यकीन करें हम आपका? जो सच्चाई है ना बिल्कुल सामने है। आप मेरे बेटे पर इल्जाम लगाकर सबके सामने उनको झुकाना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि ये मंजुषा का भाई है। मंजू का बदला आप इससे ले रहे हैं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ताई आप रहने ही दीजिए। आप क्या है कैसी है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। शक करने की तो आपको आदत है, झूठ तो आप इस तरह बोलती है। वाह रे वाह, मेरी बेटी पर भी आपने झूठ मुठ के इल्जाम लगाए थे, उसको परेशान किया था और फिर मजबूरन उसे आपको घर से निकालना पड़ा। उस बात का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। इन दोनों बातों को अंत में लाइए। क्यों? ये सुलोचना ही आपकी लाडली सासुमा है, इसलिए आपकी सासुमा का अपमान आप सह नहीं सकते? देखिए मेरे बेटे पर कीचड़ उछाल रही है वो ठीक है, और हम इसके खिलाफ जवाब देना चाहते हैं तो हम बुरे बन गए। वाह कैसा न्याय है ये। हाँ मानो बेटा बड़ी अच्छी से रिश्तेदारी निभा रहे हैं आप। बहन के पति की तो कोई इज्जत ही नहीं है और अपनी बीवी की आई को सर पे बिठा के रखा है। एक सेकेंड, यहाँ सब लोग जानते हैं कि मेरी आई कभी झूठ नहीं बोल सकती और ना किसी पर झूठा इल्जाम लगा सकती है। इसका मतलब है मेरा बेटा झूठ बोल रहा है ना? मेरा ऐसा मतलब भी नहीं है, लेकिन कोई ताज्जुब नहीं हो रहा है मुझे, क्योंकि तुम तो सुलोचना ताई की बेटी हो तो अपनी आई की साइड लोगी ना। और वैसे अजीत क्या लगता है तुम्हारा, कुछ भी तो नहीं? सविता दाई देख रही है ना, आपके सामने आपकी दामाद की बेइज्जती हो रही है और आप कुछ नहीं बोल रही है।